नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल के नगर पालिका नाम में सभासद राहुल पुजारी की बेटी सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर परिवार के सदस्यों के साथ वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण के साथ साथ हरियाली को बचाना है तो वृक्ष जरूर लगाए। नन्ही सृष्टि ने कहा कि वो हर साल अपने जन्मदिन पर पौधारोपण कर अपना जन्म दिवस मनाती है और ये कहती है कि आप भी ऐसे पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण को हम और ज़्यादा स्वच्छ और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बना सके। आप लोग भी अपने जन्मदिन पर या कोई भी शुभ कार्य होता है तो पौधा ज़रूर लगाएं, वो उसकी अच्छी तरह देखरेख करें। इस छोटे बच्चे के संदेश की काफ़ी लोगों ने सराहना करते हुए उसको जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी हैं। श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर सिख यात्री और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर नाथ-भूसे चले हैं। दरअसल देर रात श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुट साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान स्थानीय व्यक्तियों द्वारा विरोध करने के बाद सिख यात्रियों और स्थानियों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में आपसी बहस लात-घूसों में तब्दील हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमकर सिख यात्रियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराया, कोतवाली ले आए। यहां दोनों पक्षों का चालान काटा गया। बता दें कि इससे पहले भी दो बार श्रीनगर में स्थानीय लोगों और सिख यात्रियों के बीच मारपीट की घटना सामने आ चुकी है। लोग जो आते हैं तो यहाँ पर लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल पूरे पैसे दिया जाएगा। बाकी अब भी स्थिति सही बनी है। कोतवाल साहब को कहा था इन जो ये मोटरसाइकिल बाइक को में आ रहे हैं इन पे एक अंकुश से लगाया जाए कि ये शालीनता से आपने आए। सभी नहीं होता, ये हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसे होता है, लेकिन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपनी मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा उससे मारपीट उतार हो जाते हैं जो कि निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएँ ऐसी होती हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी और आए दिन अगर ऐसे घटनाएं अगर फिर अगर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे। कन्नौज जिले में पहली बार तैनात हुई महिला आरटीओ इजिया त्रिपाठी जिले की नई आरटीओ बनी है। लोक सेवा आयोग परीक्षा 2018 की टॉपर है इजिया। सोमवार को कार्यभार ग्रहण करेंगी इजिया त्रिपाठी। कन्नौज आरटीओ संजय कुमार झा का शासन ने गोरखपुर तबादला किया है। संभल में जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में आग बुझाने को लेकर अग्निशमन यंत्र जो लगे हुए हैं, ये स्थिति तब है जब चार दिन पहले जिला अस्पताल आग से धधका था। लापरवाही की बड़ी तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं। जो अस्पताल में आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र लटके हुए हैं जो आग की स्थिति में हाथ खड़े कर सकते हैं। एक दो नहीं, जिला अस्पताल में तमाम अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायरी डेट देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि 3/2022 यानी कि तीसरे महीने में ही एक्सपायर हो गए थे। हर साल इन्हें रिफिल कराया जाता है। फायर का काम करने वाली एजेंसियां इनको चेक कर इनके अंदर लगे मिनी सिलेंडर या पाउडर या केमिकल जो भी चीज़ है उसे बदलती है और नई एक्सपायरी डेट का सर्टिफिकेट चस्पा करती है जो 1 से 3 साल तक का हो सकता है। बता दें कि 4 दिन पहले ही अस्पताल की 4th मंजिल पर भीषण आग लगी थी, मगर इसके बाद भी लापरवाही चौंका देने वाली है। पूरे मामले पर डीएम ने कहा है कि उन्हें पहले ही भ्रमण में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया था। यदि कोई अग्निशमन यंत्र है तो उसे रिन्यू किया जाए ताकि उसकी एक्सपायरी डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाए। ये जनपद में प्रभार ग्रहण करने के बाद लगभग एक हफ्ते के अंदर ही मेरे द्वारा जनपद संभल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था और उस समय संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे कि वहाँ पर पर्याप्त अग्निशमन इंस्ट्रूमेंट्स की व्यवस्था करवाएं, एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था करवाएं
अभी जो कुछ दिन पहले एक दुर्घटना घटी थी, इनफैक्ट उसमें उससे कुछ ही दिन पहले वहाँ के सभी कर्मचारियों की एक फायर ट्रेनिंग भी करवाई गई थी और उसी के चलते वहाँ जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो अस्पताल के ही स्टाफ और डॉक्टर्स का था, जिसके कारण उस आग को समय पर कंट्रोल किया गया और दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँचने से पहले काफ़ी हद तक आग जो है वो कंट्रोल कर ली गई थी। अगर कुछ ऐसे एक्सटिंग्विशर्स हैं जो एक्सपायर्ड हैं तो उनको बिना किसी विलंब के तत्काल ठीक करवाने का और रिन्यू करवाने का निर्देश CMS को दिया जाएगा। मैनपुरी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों की ओर से दनहार थाना अध्यक्ष के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक के पैर में गोली लगी है जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं SP ने मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम की सराहना की है। कोतवाली थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से दो बदमाश जा रहे थे, इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे, पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में SO दन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि इस भिन्ना के ऊपर फिरोजाबाद से 20,000 का इनाम घोषित है और साथ ही यहां मैनपुरी से भी 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। बरसों से ये अपराधी फरार चल रहे थे, शातिर अपराधी हैं, बहुत सारे अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। अभी विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों पे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य आएंगे। बदमाश थे और किस गाड़ी से बदमाश थे? एक बाइक से ये जा रहे थे, इनके पास से दो तमंचे भी बरामद हुए हैं और एक घायल हुआ है, दूसरे को गिरफ्तार किया। कोई पुलिसकर्मी घायल? इसमें हमारे SO दन्नाहार बाल बाल बचे हैं, इनके ऊपर किया गया था, बाल बाल बचे हैं और अपने को सुरक्षित रखते हुए जब अटैक किया गया तो उसमें ये घायल हुआ। पुलिस टीम फरुखाबाद में खाली खेत में मूंगफली बिनने गए बच्चे के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बच्चे के परिजन बच्चे को पिटता देख बचाने पहुंचे, परिजनों के साथ दबंगों ने लाठी डंडों से मारपिटाई की है। दबंगों की मारपीट से बच्चे का पिता लहूलुहान हो गया। बच्चे और दो महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, सभी को घायल अवस्था में CHC में भर्ती कराया गया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के पलिया गांव का ये पूरा मामला। गोंडा जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली दलित लड़की को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि जावेद से उसकी भाभी फोन पर बात कराती थी। एक दिन जब शौच के लिए गई तो एक व्यक्ति उसे कुछ सुंघाकर मुंबई ले गया, जहां कमरे में जावेद ने धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया और दुष्कर्म किया, उसके बाद करनेलगंज लाकर छोड़ दिया। इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो सुनवाई नहीं हुई। SP से मिलकर शिकायत की है, हम चाहते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे और हमको न्याय मिले। जावेद से बात करती थी, उसकी भाई मुझे ज़बरदस्ती अपने फ़ोन से बात कराती थी। मैं शाम को शौच के लिए खेत हो गई तो वहाँ मुझे बहादुर ने कुछ सुखाकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं मुंबई में थी, शायद वो एक कमरे में बंद थी, शायद वो कमरा जावेद का था। मुझे वहाँ ज़बरदस्ती हाफिज़ जी को बुलाकर निकाह कराया गया, मेरा धर्म परिवर्तन किया गया। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया और फिर गलत काम करने के बाद जब मेरे घर वालों को इस बात का मालूम चला तो मतलब जावेद मुझे खुद लाकर करनेलगंज स्टेशन पर छोड़ दिया। परसपुर जनपद गोंडा अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के साथ भाला फुसला करके भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने तथा धर्म परिवर्तन करने संबंधी तहरीर दिया गया है। तहरीर के आधार पर भारतीय दंड विधान अनुसूचित जात जनजाति संस्था निवारण अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन
प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में 4 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में एक पति हैवान बन गया और उसने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को पीट दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक के द्वारा महिला और बच्चे की पिटाई होते देख मौके से निकल रहे एक अज्ञात कार चालक ने दोनों को अलग कराया। इस पूरे मामले में पुलिस FIR दर्ज कर दोनों का मेडिकल परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई की बात कह रही है। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी शाकिर के खिलाफ 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला नखासा थाना के मोहल्ला तुर्तीपुर इलाका है, जहां ढोल बजवाते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गैंगस्टर के आरोपी शाकिर उर्फ भूरा के आलिशान घर पहुंचे। ढोलमैन ने घर में मौजूदा लोगों को कुर्की की मुनादी सुनाते हुए घंटी के अंदर मकान खाली करने की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्की की कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा उसके 1.5 करोड़ के 2 मकान कुर्क कर दिए गए। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में संभल शहर के तिमरदास राय के रहने वाले साकिर पुत्र जफीर और उनके 3 और सहयोगियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें धारा 14(1) के अंतर्गत उनकी लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है प्रशासन द्वारा आज। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध सट्टा खेलने, जुआ खेलने और खिलवाने जैसे गंभीर अपराधों के अंतर्गत मुकदमे दर्ज थे और इनके द्वारा ये सारी संपत्तियां जो हैं इन्हीं अवैध गतिविधियों और क्रियाकलापों के तहत अर्जित की गई थी। अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील के गेट पर ABBP कार्यकर्ताओं ने हत्यारोपियों के फांसी की सजा की मांग की है। उदयपुर में जेंट्स हत्या के बाद देश भर के कई हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी तत्काल दी जाए। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लगाए नारे और आतंकवाद का पुतला भी फूंका है। साथ ही ABBP कार्यकर्ताओं ने हत्यारोपियों के लिए जल्द से जल्द फांसी की मांग की है और कहा कि ऐसे गुनहगारों को जल्द फांसी मिले, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के जघन्य हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, इसी हमारी मांग यही है। और नहीं तो हिंदू संगठन हो, हम लोग भी इसका जघन्य विरोध करते हैं और इसके लिए आंदोलन करेंगे। तुरंत से तुरंत इसके पीछे भी जिसकी जो भी हो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों को तुरंत सजाए मौत हो। इसके अलावा हमको और कोई मांग नहीं है। ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। काशी प्रांत का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत सा सोशल मीडिया संयोजक रहा हूँ। आज हम लोगों ने तहसील गेट मुसाफिरखाना जिला अमेठी में पुतला दहन किया, जो कन्हैया लाल हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला जलाया है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हत्यारों को फांसी दी जाए। हम लोगों ने प्रतीकात्मक जो है पुतला जलाया है और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जिससे देश में ऐसे आघात न हो। फतेहपुर जिले में घर में घुसकर युवती की दिनदहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पुलिस मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नीस वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला और चेहरे पे वार करके हत्या कर दी गई है और बिल्डिंग में भी इस पर बुलाई जा रही है। इसका हम शीघ्र अनावरण भी करेंगे। प्रथम दृष्टया इसमें जिसे कि इनके गार्जियन, इनके मम्मी और भाई तो नहीं थे, वो प्रयागराज गए हुए थे। फादर ठेले लगाते हैं, गरीब व्यक्ति हैं, वो ठेला लगाने गए हुए थे। इनकी मम्मी और लड़के जब वहाँ से लौट के आए हैं प्रयागराज से, तो वहाँ देखा है कि वो भी
चेहरे पे और गर्दन पे धारदार हथियार चलवा रहे हैं। अब हम सुबह कारण घटना हुआ कारण पानी हमारा बंद था जी, उन्होंने कारण पाइप बंद कर दिया था हमारा, हमारे सर में पानी भर गया। हम उसको जब देखे गए तो तालाब साहब पानी भरा हुआ था तो हमने उसको खोला तो उसी के कारण विवाद जन्म हुआ। उसके बाद चौकी जन्म गया। कब विवाद कब हुआ था? कालन जी 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 कल जो हुआ उसके बाद दीवान जी कारण साहब कि आप इच्छा कि आप उसको बनवा दीजिए, हमने उसको बनवा दिया और उनसे बता दिया था हमने बनवा दिया। आज क्या हुआ? आज तो हम लेबे नहीं बन। क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या जानकारी मिली? तो जानकारी मिली कि तुम्हारे मुखिया के जो गर्दन काट। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र के गांव सुरेंद्र नगर में कला कुसुम आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री सौरभ गुणा ने पहुंचकर फीता काटकर कला कुसुम आर्ट गैलरी का शुभारंभ करते हुए कहा कि सितारगंज विधानसभा के क्षेत्र शक्ति फार्म के गांव में इतना बेहतर कला का प्रदर्शनी कार्यक्रम रखा गया है जिसको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का उद्देश्य यह है। प्रशासन द्वारा नगर की दुकानों पर छापा अभियान चलाया गया। छापे अभियान में एक दुकानदार के यहां से करीब 1 किलो पॉलिथीन बरामद की गई है तब 5,000 का जुर्माना उन पर लगाया गया है। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि आगे अगर ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया तो आगे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दुकान जाने का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार और हमारे प्रदेश शासन द्वारा जो है प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन से कम की है और इसके अलावा जो ये जो फर्माकोल के प्रोडक्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है इस सब के लिए पूर्ण रूप से बैन किया गया है और 1 तारीख से ये लागू है। तो हम सारी दुकानों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है अथवा ये बिक्री की जा रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमारा है। और इसमें हमने एक दुकान के ऊपर अभी 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। अभी उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। अगर उनके द्वारा अभी जो है लौटते समय पैसे नहीं दिए गए तो उस स्थिति में उनका कोर्ट का चालान किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।